लगता है कैप्टन सफदर साहब से बर्तन टूट गए हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, कभी ना कभी धोना सीख ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा मरियम साहिबा, लोगों की प्राइवेट वीडियोस बनाना और फिर लीक करना आपका अपना फैसला है? मैंने खुद ये फैसला किया है मियाँ साहब के से मशावरत के बाद ये किया है, और बल्कि उनके हुक्म पे किया है। अच्छा मरियम साहिबा, ये बताएं, आपको लोगों की प्राइवेट वीडियोस बनाने का माशाल्लाह भरपूर तजर्बा है, तो क्या जो बाइडेन की वीडियो बनाने के लिए आपको व्हाइट हाउस जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो तो यहाँ बैठे भी हो सकता है। जैसा कि आपके पास हर किसी की वीडियो होती है, यकीनन बिलावल ज़रदारी की भी होगी। पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है, मैं अपने अहदाफ को अच्छी तरह जानती हूँ। खैर, आपके अहदाफ जो भी हैं, ये बताएं जरदारी साहब का हदफ कौन है? कराची के अवाम। चलें ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं, आपके चचा शहबाज शरीफ साहब चमकाते बहुत अच्छा है, जो कि सच भी है। वैसे अगर मौलाना फजल रहमान भी अच्छी तरह चमकाना सीख लेते तो आज वो प्राइम मिनिस्टर होते। अच्छा चलें छोड़ें, ये बताएं कि आपने लंदन फ्लैट कैसे खरीदे? मैं तो इस सवाल का जवाब दे दे के थक गई हूँ, बहुत पुराना सवाल हो गया। क्या बात कर रही हैं, इसी सवाल का जवाब तो आपने आज तक नहीं दिया। आप जवाब दें, पाकिस्तान की आवाम जानना चाहते हैं। पाकिस्तान के आवाम सब जानते हैं। अच्छा यानी इसका जवाब आप आज भी नहीं देना चाहते। चलें छोड़ें, ये बताएं जो भारतीय ड्रामा एक्टर हैं, क्या वो एक्टिंग में पाकिस्तानी एक्टर्स का मुकाबला कर सकते हैं? नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। उनका तो हॉलीवुड वाले भी मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा मियाँ साहब से याद आया, सुना है लंदन में केस बनने के बाद वो लंदन से भी भाग गए हैं। लंदन से भागने की वजह? बरतानिया का जो इंसाफ है वो बिकने वाला नहीं है। अच्छा आप अपने चचा की हुकूमत की तारीफ में कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, ये हुकूमत अपनी दुश्मन खुद ही है और अपने लिए खुद ही काफी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, महंगाई का तीर जो आपकी हुकूमत ने आवाम पे चलाया है वो तो उनके सीने के आर पार हो गया है। तो आर पार तो हुआ है। तो इतनी महंगाई करने के बाद, इकॉनमी तबाह करने के बाद, शहबाज शरीफ साहब आवाम से क्या कहेंगे? हम नाअहल हैं, हम नालायक हैं, हमें नहीं पता था हुकूमत किस तरह चलाई जाती है। सुनने में आया है आपके पार्टी के कुछ लीडरान का कहना है कि जितना लूट लिया उतना काफी है, अब थोड़ी सी ब्रेक ना ले ली जाए। मियां साहब इसके खिलाफ हैं। लगता है कैप्टन सफदर साहब से बर्तन टूट गए हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, कभी ना कभी धोना सीख ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कैप्टन सफदर साहब कब से बर्तन धो रहे हैं? पिछले 3 दिन से। 3 दिन से? भाई कुछ तो ख्याल करें, आखिर वो आपके मुलाजिम नुमा शोहर हैं, उन्होंने शादी की है आपसे। इसी का जो खमियाजा है वो भुगत रहे हैं। चलें खैर, इंटरव्यू का टाइम तो हो गया ख़त्म, मुझे आप इजाज़त दीजिए, और लगता है कैप्टन साहब की तो आज खैर नहीं। अल्लाह हाफिज़।